19 carry over 1. 3 twos are 6 plus 1, 7. Nothing to carry over. 3 fives are 15, carry over 1. 7 threes are 21 plus 1, 22, carry over 2. 3 ones are 3 plus 2, 5. तो ये हमने पूरा नंबर अब मल्टीप्लाई कर लिया 3 से. अब हमें पूरे नंबर को आखिरी बचे हुए डिजिट यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो टू मल्टीप्लाई दिस होल नंबर विद 2, अब हम आखिरी की जो दो जगह है उन पर हम क्रॉस का साइन लगा लेंगे. अब हमने दो तरफ क्रॉस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाली जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है. इसीलिए 1 प्लेस और 10 प्लेस पर हमने क्रॉस का साइन लगा लिया है. तो जब आप सबसे फर्स्ट डिजिट मतलब पीछे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस का साइन आखिरी में लगाने की जरूरत नहीं है. दूसरे डिजिट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक फर्स्ट प्लेस पर यानी 1 की प्लेस पर क्रॉस का साइन लगाएंगे. और तीसरे डिजिट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने डिजिट बच रहे हैं, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये दोनों नंबर्स नहीं है, ये दो डिजिट है. इसीलिए अब आप यहाँ पर दो प्लेस पर यानी 1 प्लेस पर और 10 प्लेस पर क्रॉस का साइन लगाएंगे और फिर आखिरी डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 टू जा 10. अब आपने इन दोनों पर क्रॉस लगा दिया है तो मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आगे की तरफ आप नंबर लिखेंगे. तो 5 इंटू 2 10, कैरी ओवर 1. 6 टू जा 12 प्लस 1 13, कैरी ओवर 1. 2 twos are 4 plus 1, 5. 5 twos are 10, carry over 1. 7 twos are 14 plus 1, 15, carry over 1. 2 ones are 2 plus 1, 3. आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 3 यहीं पर लिख देंगे. अब हमें इन तीनों नंबर्स को प्लस करना है. क्रॉस का साइन है यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है. तो 5 हम एज इट इज नीचे लिख देंगे